हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा चैनल है स्विमिंग बाय मनी, दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो आज का वीडियो है कि बटरफ्लाई कैसे करते हैं, उसके आज सारा मैंने बाहर बताने वाला हूँ कि बटरफ्लाई में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या बटरफ्लाई कैसे होती है। ठीक है, मुझे कमेंट काफ़ी आ रहे थे कि बटरफ्लाई करके बटरफ्लाई के ऊपर वीडियो बनाओ। आज की वीडियो है जो सिर्फ मैं यही बताने वाला हूँ कि बटरफ्लाई में कैसे कैसे हाथ चलाने हैं, कैसे पैर चलाने हैं, ठीक है, और फिनिशिंग कैसे करनी है। और उसके अलावा मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि जब मैं स्विमिंग करता हूँ मेरे पैर बाहर आते हैं या पैर नीचे चले जाते हैं, मुंह नहीं बाहर आता वगैरह वगैरह वगैरह, उसकी भी थोड़ी टिप्स बताने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताने चाहूँगा कि जो बिगिनर है वो फ्री स्टाइल स्टार्ट करता है तो जेन्युइन ही है, कभी उसकी लेग्स नीचे जाएगी, कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, पर जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाएगा अपने आप वो सारा कुछ सुधर जाएगा। ठीक है, मतलब कि अपने आप वो धीरे धीरे मूवमेंट में आने लग जाता है। ये नहीं होता कि उसके लिए ऊपर अलग से ट्रिक बनी होगी या कुछ होगी, जैसे जैसे आप स्विमिंग करते जाओगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। अब आपको फ्लोटिंग नहीं आती, आप फ्लोटिंग की प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग में पैर नीचे जा रहे हैं या बॉडी नहीं ऊपर आ रही, ये रहेगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप ऊपर आ जाओगे, और जैसे ही ऊपर आ जाते तो आप किक चलानी स्टार्ट कर दो। किक को आप ऐसे ऐसे नहीं चलाना, ऐसे ऐसे चलाना होता है, ये बात नोट रखना है कि किक को आप ऐसे ऐसे चलाया करो। ठीक है, मैंने 2-3 जनों की वीडियो देखी है, वो ऐसे ऐसे चला रहे होते किक, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते, मुझे कमेंट भी आते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि सांस लेने में अगर आप सिंपल डॉग स्विमिंग में सांस ले रहे हो और स्विमिंग कर रहे हो तो भी बेस्ट है। ठीक है, पर जब आपको ये चीज़ की एंड पूरी आदत हो जाएगी ना, फिर आप धीरे धीरे ये वापस पीछे करने लग जाओगे, ये बहुत काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो अब बात करते हैं बटरफ्लाई की। ठीक है, बटरफ्लाई में जो हैंड चलते हैं, हैंड मूवमेंट क्या रहती है, जो हाफ है वो तो डॉल्फिन की तरह चलता है, लाइक दिस डॉल्फिन की तरह। ठीक है, डॉल्फिन की तरह चलता है, जैसे कि ये दोनों नीज है, ये हमारे पैर है, उसमें एक पुश आता है फिर दूसरा जोर से आता है, जैसे 1 2 3 4, वैसे आप ऐसे ऐसे डॉल्फिन करते रहते हैं, लेग्स मूवमेंट ये कंटिन्यू चलती रहती है। हैंड मूवमेंट क्या होता है, आपने ये किया हल्का सा ऐसे आता है ताकि दबाव बन के फिर हम बाहर आते हैं, फिर आता है ये। ठीक है, ये चीज़, ये इतने ऊपर नहीं होते ये हाथ आपके, वैसे तो जो प्रोफेशनल चलाते हैं वो तो कंटिन्यू ऐसे चलाते हैं, बट क्या होता है कि जैसे आप पानी में हाथ जाएंगे हल्के से ऐसे आएंगे, जैसे कि बाहर से आएंगे हल्के से बॉडी ऊपर होने के लिए, फिर जब नीचे आ जाते हैं हम प्रेशर मारते हैं पीछे आगे जाते हैं। इसमें याद रखना है कि हमने ज़्यादा ऊपर नहीं आना होता है ना, फेस सिर्फ हल्का सा फेस बाहर निकालना होता है, लाइक दिस, ये जब हम ये ऐसे करते हैं ना, ये तो जेन्युइन ही होता है, वैसे आप सीधे हाथ खींचोगे ये जेन्युइन ही होएगा। ठीक है, और डॉल्फिन की तरह किकिंग होएगी, किकिंग कैसे करनी है, लाइक दिस पे। ठीक है, ये चलेगी कैसे, पूरी बटरफ्लाई कैसे होगी, आप एक वेव मारोगे ये, ठीक है, ऐसे चलेगी। ठीक है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ की प्रैक्टिस करने की पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह बैक की भी प्रैक्टिस करनी, ताकि आपके शोल्डर है वो स्मूथ होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आप बाहर ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो माइंड को रीड हो जाता है। ठीक है, जब आपने एक बार पानी में करना है, जैसे मतलब कि सपोज करो आप पानी में कर रहे हो, ठीक है, डॉल्फिन की हाथ मारा, फिर डॉल्फिन की फिर हाथ मारा, फिर डॉल्फिन की हाथ मारा, डॉल्फिन की हाथ मारा, डॉल्फिन की हाथ मारा, बटरफ्लाई के स्ट्रोक में हैंड मूवमेंट ये चलेगी और जो नीचे है वो डॉल्फिन चलेगी। डॉल्फिन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा डॉल्फिन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। पहले आप डॉल्फिन सीख लो, फिर बटरफ्लाई बहुत आसान है। ठीक है, मतलब कि जोर लगता है, हार्ड है ये, मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा अगर स्विमिंग में स्ट्रोक में जोर लगता है वो तो ये बटरफ्लाई ही है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसकी मैं पानी में वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए इतने काफ़ी, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे हम जो बेसिक्स, छोटे छोटे कमेंट आते हैं, तो बटरफ्लाई में अगर आपको कुछ और पूछना है मुझे ज़रूर बता सकते हो। ठीक है, और मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, आपको पता है कईयों को नहीं समझ में आता उसमें, तो मैं ये लिख के भेज देता हूँ, मतलब क्या समझ में आया। और कमेंट छोटे छोटे किया करो, जल्दी और सही रिप्लाई हो जाता है। अगर आपके 3-4 सवाल है ना, पहले एक कमेंट में एक सवाल पूछो, फिर दूसरे में दूसरा सवाल पूछो, तीसरे में तीसरा बोलो, जिसके कारण मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, आपको पता है मेरी इंग्लिश वीक है। तो प्लीज़ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके चल लेना, अगर मेरे से गलती होगी मुझे माफ़ कर देना। तो फ्रेंड्स, अब मैं बताने वाला हूँ कि जैसे हम फ्लोटिंग करते हैं तो पूरी बॉडी लूज़ रहती है और हल्का सा पेट टाइट रहता है। अगर पेट हल्का सा टाइट नहीं रखोगे तो क्या होगा, जैसे आप फ्लोटिंग करोगे ना, बॉडी कभी इधर जाएगी कभी इधर जाएगी,
ये अनबैलेंस करती है, ठीक है। अगर आप हल्का सा पेट टाइट रख के बॉडी पैरों को लूज छोड़ के ऊपर ले आते हो, मतलब कि हल्का सा नीचे से पुश लेने के बाद आपने बॉडी लूज छोड़ देनी है, ठीक है ना। मतलब कि एक पैर आपने देख लो लाइक दिस, एक पैर आपने उठा लेना है ऐसे, मुंह बाहर सांस ली और मुंह अंदर किया, इसको हल्का सा पुश मारा, आप ऊपर आ जाए, ठीक है। पुश ना ऐसे, मतलब कि पैसे ऐसे पुश मारने की बजाय आप थोड़े पैर पीछे रख के, ठीक है, कुछ आगे को लो, ताकि जो बॉडी एक फ्लो में आए, आपकी बॉडी पैर ऊपर आ जाएंगे। और जैसे पैर ऊपर आ गए, आपने पैर चलाने हैं। पैर चलाते समय आपके पैर मूवमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो पैर है वो सीधे चलना है, ऐसे ऐसे सीधे चलेगा, और पैर की मूवमेंट ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बाकी मैंने लगभग सारी वीडियो में बताया भी है कि पैरों की मूवमेंट कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको बटरफ्लाई में समझ में आ गया होगा कि बटरफ्लाई में हमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। बाकी यही चीज़ मैं आपको पानी में भी बता दूंगा। बाहर थोड़ा आपको प्रैक्टिस करोगे तो एक माइंड को एक चीज़ रीड हो जाएगी। बेब याद रखना कि जब आप ये चीज़ करोगे ना, ये ऐसे बाहर आए फिर अंदर, फिर अंदर, ठीक है। मतलब कि ये चीज़ के लिए प्रैक्टिस आपने करनी करनी है, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ती पड़ती है। जैसे कि मैंने ये किया, पानी के अंदर बाहर आया, फिर पानी के अंदर बाहर आया, पानी के अंदर बाहर आया, पानी के अंदर, ये ऐसे अंदर अंदर अंदर। अब सैडनेस कैसे करें, ये पानी के अंदर बाहर अंदर बाहर। ये पैर मूवमेंट जो ब्रश की चलेगी, मतलब ब्रश की कहता डॉल्फिन की चलेगी, ये मूवमेंट कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। बटरफ्लाई में बहुत जल्दी कवरी हो जाएगी। उसके बाद मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पर बनानी है, मुझे हैशटैग डाल के जरूर बताया करो। बाकी फ्लोटिंग की प्रॉब्लम दूर होगी, जिनके कह रहे थे कि मेरे पैर नीचे चले जाते हैं, वो मैंने बता दिया। अब फ्री स्टाइल करते समय सांस कैसे लेना है ये बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप फ्री स्टाइल करने लग गए हो, मतलब कि हाथ मार रहे हो, सिर्फ सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो स्टार्टिंग में आप डॉग पैडलिंग का सहारा ले सकते हो। पर क्या है, एक बार आपने डॉग पैडलिंग का सहारा ले लिया, फिर एक बार ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे ऐसे में आप पूरा मुंह सीधा करके सांस ले सकते हो स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आप अपने आप प्रोफेशनल में आते जाओगे। पर एक चीज़ याद रखना कि जब आपको स्विमिंग में ऐसे करके सांस लेना आ गया ना, इसको धीरे धीरे नीचे करते रहना है। मतलब कि जब आप सांस लेते हो ना, तो अभी जो बिगिनर होते हैं वो ऐसे करके दोनों पानी से बाहर निकाल के फिर सांस लेते हैं, जिसके कारण बॉडी नीचे चले जाती, फिर वो अंदर करते हैं, फिर ऊपर आती, फिर आगे जाते हैं, ठीक है। वैसे क्या होता है कि जब आप सांस ले रहे हो ना, इसको ऐसे हल्का सा टर्न करना होता है, फिर पानी को नाक के अंदर ही थ्रो कर देना होता है। और कई कहते हैं कि मेरे नाक के अंदर पानी चला जाता है। भाई जब पानी जो फेस है पानी के अंदर डुबोते हैं, तो उसको बाहर से नाक से थ्रो करते करते अंदर जाया करो, जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, और सांस लेने की प्रॉब्लम दूर होगी, ठीक है। अब आती है हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट क्या, गलती क्या होती है हैंड मूवमेंट में, आप पूरा हाथ सीधा नीचे लेके जाते हो, ये चीज़ गलत है। आप पानी में हाथ डुबोबो, ठीक है, डुबोने के बाद आप ऐसे पुश करो सारा पीछे तक, ठीक है, पीछे तक पुश करके ही निकाल दो, मतलब कि इसको ऐसे पुछ, ठीक है, पुछ कर देना, पुछ पीछे पुछ कर दिया, तो आपने जैसे ये पुश किया पीछे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं लेके आना, आपने इसको ईजिली लेके आना, क्योंकि ये निकल गया, ठीक है, इसको फोल्ड किया ले आए, ठीक है, देखो। हाँ, हैंड प्रैक्टिस आप बाहर कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, ये देखो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, तो इसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो नहीं हिलनी चाहिए, सिर्फ शोल्डर शोल्डर, ठीक है। ये देखो हाथ ऐसे बॉडी के साथ जाना चाहिए। क्या होता है कि कई हाथ यहाँ डबोते फिर ऐसे ऐसे खींचते हैं, बॉडी से इतना हाथ दूर होता है, ये टेक्निक गलत होती है। प्रोफेशनली अगर आप बाहर खड़े होकर प्रैक्टिस करते हो, इधर पीछे किसे गया हाथ आया, ये हाथ जाने के बाद यहाँ से कान के पास से सीधा हाथ गया, कान के पास से सीधा ये हाथ ऐसे जाएगा। जब ये हाथ ऐसे लेके जाते हैं ना, तो इस एरिया में काफ़ी पानी आ जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी आगे चली जाती है। जब हम नीचे करते हैं तो आधा फेस हमारा ऊपर आता है, फिर बाकी पीछे को प्रेशर लगता है, पीछे को प्रेशर इतना सा लगता है, ठीक है। पर जब हम ऐसे करके जैसे ये हाथ पानी में जाते हैं ना, तो हम इसको ऐसे पीछे गिद्ध खेलते हैं, देखो कितना आगे चले जाएंगे। ये चीज़ रहती है, टेक्निक होती है ये। जैसे जैसे टेक्निक सुधरती जाएगी, वैसे आपका जोर कम और स्टैमिना बढ़ता जाएगा, और आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। बड़ी आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, बस जो एक बार ठान लिया वो आसानी से हो जाता है। और हैंड मूवमेंट बता दी, लेग मूवमेंट मैंने बता दी, फ्लोटिंग मैंने बता दी, अब क्या रह गया, सारा कुछ बता दिया मैंने। अगर फिर भी कुछ रह गया मुझे माफ़ कर देना, बाकी कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम और फेसबुक, व्हाट्सअप और टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर लेना, अगर आप टिकटॉक चलाते हो तो, ठीक है। और टिकटॉक पे मैं वैसे गाने गाने की वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज बात थोड़ा बहुत इधर उधर तो मैं बनाता हूँ, लेकिन एक्टिंग नहीं करता, कल गाने गाने बनाता हूँ, क्योंकि गाने अच्छे लगते हैं। तो बाय फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे ज़रूर बता देना। बटरफ्लाई स्ट्रोक के ऊपर मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे,
तो मैंने सोचा कि बटरफ्लाई के ऊपर बना दूँ। मुझे काफ़ी एक भाई था, वो बार बार कमेंट कर रहा था, तो सबकी देखनी पड़ती है। बाकी वीडियो में छोटी मोटी गलती होती रहती है, मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, एक चीज़ और बोली थी कि मुझे ना कई मेरी वीडियो देखे ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं जो गलत टेक्निक का मतलब ये नहीं है कि वो आप नहीं कर सकते, वो कर सकते हो, पर एक कहते हैं ना फोर्स लगता है, स्पीड बढ़ती है, वो चीज़ नहीं होती, ठीक है ना। कई वीडियो देख के लगता है कि आपने कुछ गलत बताया, आप गलत बता रहे हो। गलत बताने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप, मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है, मैं गलत बता रहा हूँ, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि भैया ये चीज़ तुम गलत बता रहे हो, उसका सही मीनिंग क्या है, मैं वो आपको समझा दूँगा। क्योंकि मेरे बताने का मोटिव ये हो रहा है, आपको नहीं आती, आप देख लेते हो फिर बोलते हो कि हाँ भाई ये चीज़ गलत बताई है, वो हमारा कुछ तो अलग बताता है। मतलब कि जो मैं गलत बता रहा हूँ वो गलत, मैंने ये नहीं है कि आप वो करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होगे आप, पर जो आपकी स्पीड है वो नहीं बढ़ेगी। गलत मैं उसको बोल के बताता हूँ कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक में हम टांगे खोल के ऐसे मारते हैं, वो चीज़ गलत है आपकी स्पीड के लिए, स्ट्रोक के लिए नहीं गलत। वो स्ट्रोक तब गलत होगा जब आपके पैर दोनों बाहर आ रहे होंगे, या फिर आपके दोनों हाथ बाहर आ रहे होंगे। हाथ मतलब कि जब आप ऐसे करके पुश लेके जाते हो तो अब नहीं, मतलब आपने हाथ मारे आपके बाहर से गए, या फ्री स्टाइल के हाथ मार दिए। अगर आप जिस स्ट्रोक का कर रहे हो उसमें दूसरे स्ट्रोक को बांट दोगे तो गलत होगा, वो डिस्क्वालीफाई के लिए। अदरवाइज बस ठीक है, जो समझ सकते हैं, जिनका मैं दूर कर सकता हूँ वो प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। बाकी मुझे कमेंट में बता दिया करो अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, वैसे सभी से गलतियाँ होती हैं। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बटरफ्लाई। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये है स्विमिंग बाय मनी चैनल, जिसके ऊपर आप मेरे देख रहे हो स्विमिंग से रिलेटेड वीडियो। ये है टेक्निकल लवली मनी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। टेक्निकल लवली मनी चैनल में मैं मोबाइल की अनबॉक्सिंग करता हूँ। थैंक यू वॉच द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।